विद्यार्थियों, हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया। दूसरा हमारा है आज इस कड़ी में सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। इस संबंध में राज्य के जो है कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिनका विवेचन, जिन पर हम चर्चा अब करेंगे। पहला है, इसमें राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की जो है व्यवस्था करेगा। दूसरा है, राज्य जनता के दुर्बलतम अंगों के, विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी की उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट है, तीसरा अपना पॉइंट है इसमें, वो है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधित निदेशक तत्व। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए कुछ निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिनमें है, पहला, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। दूसरा है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि विधान लागू होने के 10 वर्ष तक के समय के लिए राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा और विधान लागू होने के बाद 50 वर्ष के समय में भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसीलिए 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर इस निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य नीति निदेशक तत्वों के स्थान पर राज्य नीति निदेशक तत्वों में इसके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो है, राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। अगला है हमारा, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो ये हमारे थे न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र की स्थापना या प्रजातंत्र लाने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित निदेशक तत्व। अब है प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निदेशक तत्व, है ना। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करने का प्रयास करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक, ये हो गए अपने प्राचीन स्मारकों से संबंधित। इसके बाद है 5th जो पॉइंट आता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व, है ना। हमारे देश को आदर्श सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रही है, और हमने सदैव ही शांति तथा जीव और जीवों के सिद्धांत को अपनाया है। इसी आदर्श को हमारे संविधान के अंतिम नीति निर्देशक तत्व में जो है इस प्रकार बताया है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के में कुछ आदर्श लेकर चलने का प्रयत्न करेगा, जिसमें है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट, राज्यों के बीच
न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाना, और इसी में है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। नीति निदेशक तत्वों के इस जो हम विवेचन चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इनमें जो भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी, जो भी सामाजिक आर्थिक जो है हमारे देश के कल्याणकारी जो स्वरूप से संबंधित निदेशक तत्व हैं, इनमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय प्रदान करने की जो है व्यवस्था की गई है। नीति निदेशक तत्वों के पीछे की यह कहकर आलोचना की जाती है कि इनके पीछे कानूनी शक्ति का अभाव है ना। जैसे कि कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, विधान है, न्यायपालिका दंडित कर सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीति निदेशक तत्वों को जो है उल्लंघन करे तो इसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो है आलोचक इन्हें शुभ इच्छाएँ है ना, नैतिक आदेश या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान बताते हैं जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के जो सदस्य केटी शाह और के प्रोफेसर हियर आदि लेखकों ने इसी आधार पर इन्हें मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं की घोषणा का पत्र कहा है। दूसरा है जो आलोचना है इसकी, वो आती है निदेशक तत्व काल्पनिक और अकाल्पनिक आदर्श मात्र है ना, यानी इसमें क्रियान्वयन करना इनका बहुत दूर की बात है। सभी को मतलब कई बातें ऐसी हैं जो कल्पना से दूर लगती है कि इनका जो है क्रियान्वयन बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से जो है सारी बातें जो है क्रियान्वयन करना संभव नहीं है, इसीलिए ये काल्पनिक आदर्श कहकर उनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है एक प्रभुता संपन्न राज्य में जो है अप्राकृतिक है ना, एक प्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है। यानी एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए ये नितांत अस्वाभाविक है। विविधताओं की दृष्टि से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। यानी एक संप्रभुता युक्त राज्य को यह नहीं कह सकते कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसको इस तरह से जो है आदेश देना जो है अप्राकृतिक सा लगता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। और एक और ये आलोचना की जाती है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की जो है आशंका है ना, संवैधानिक जो विधि वेत्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं है ना। संविधान सभा में संविधानम ने भय प्रकट किया कि इन निदेशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच मतभेद हो सकते हैं। यदि शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर इस विधेयक को निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूल सिद्धांत नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों का जन्म देगी और इससे संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुँच सकता है। तो इन आधारों पर इसकी जो आलोचना की गई, लेकिन इसके बावजूद भी नीति निदेशक तत्व तो यह कहना कि बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन है, यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से निदेशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। इन तत्वों के द्वारा जो है सबसे बड़ी होती है जनमत की शक्ति है ना। यद्यपि निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनता की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई
भी सरकार इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए चाहे इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं हो, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति मौजूद हो है। दूसरा है कि नैतिक आदर्शों के रूप में भी इनका महत्व है ना। ब्रिटेन में जैसे मैग्ना कार्टा है, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की जो घोषणा है, अमेरिका संविधान की प्रस्तावना की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निदेशक तत्व भारतीय शासन की नीति को प्रभावित करेंगे, है ना। अगला जो हमारी जो इसका महत्व इसलिए भी है कि ये जो निदेशक तत्व हैं वो शासन के मूल्यांकन का आधार है, है ना। निदेशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता असफलता की जांच करने का मापदंड प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएँ बतानी होगी और शासन शक्ति का अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। तो इन जो है तत्वों को विभिन्न दलों का तुलनात्मक जांच करने योग्य बना देंगे। नीति निदेशक तत्वों की महत्ता इस बात में भी है कि ये सामाजिक आदेश में सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन है, उसकी स्थिति को सुधारने का साधन है। सामाजिक आर्थिक क्रांति का मार्ग निदेशक तत्वों में बताया गया है, अतः निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जा सकता है। ये जो है संविधान की व्याख्या में सहायक है, है ना, और जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देंगे, है ना। और सबसे अंत में हम देखें तो कार्यपालिका प्रधान जो है वो इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। निदेशक तत्वों के पक्ष में ये बात कही जा सकती है कि यद्यपि संविधान के सभी सदस्यों और कुछ संविधानवेत्ताओं ने यह भय प्रकट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निदेशक तत्वों के विरुद्ध है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान लोकप्रिय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्व का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस चीज से ये बहुत भी इनका महत्व है कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी नीति निदेशक तत्वों का जो है महत्व और उपयोगिता है। धन्यवाद।